हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? आज ये देखिए कुछ जेट प्लांट रखे हैं तो, और ये अभी मैंने एक इसको जेट प्लांट का ये पिरामिड लुक दिया है, तो इसकी मैंने अभी ये कटिंग लगाई है लंबी लंबी काट के, तो इसको इजीली हम कभी भी लगा सकते हैं किसी भी मौसम में। तो इसके लिए ये अभी बहुत अच्छे से ग्रोइंग टाइम है, तो हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों हम ये कटिंग मैंने थोड़ी सी ये कटिंग ली है जेट प्लांट की, देखिए ये है कुछ कटिंग, ये अभी यहाँ से मैंने पिंच करके निकाली है। तो इनको हम पिंच भी करते हैं तो ये बहुत अच्छे से भूसी बन जाते हैं। तो हमें कटिंग के लिए मैंने ये नीचे इसमें छोटा से ये पॉट लिया है और इसमें ये मैंने कोकोपीट ऊपर से डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट और ये इसमें थोड़ी सैंड है। तो इसमें हमें ये हमारी कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं जेट प्लांट का फेस, बहुत ही अच्छा लगता है। जेट प्लांट को हम गुड लक प्लांट भी कहते हैं। ये देखिए ये ओनली सैंड में भी लग जाती है, कोकोपीट में भी। तो हम इसको ये आपको इसमें सैंड में और कोकोपीट में लगाएंगे। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे की पत्ती हटा के हमें बस ऐसे ही इसको लगा देनी है। तो इसको मैं पूरा भर के कटिंग लगाऊंगी, बहुत सारी, बहुत खूबसूरत लगती है दोस्तों इसकी कटिंग, बहुत ईजली चल जाती है। देखिए मैंने ऐसे पास पास लगा दूंगी, इसकी कटिंग बहुत ईजली चल जाती है। और इसको हमें थोड़ा छाया में रखना है, इसकी ये नीचे की ब्रांच हटा देनी है और हमें इसको थोड़ा सेमी शेड में रखना है। मैंने अभी ये हमारे यहाँ आज मैंने थोड़ा नेट लगवाया है, तो पूरी छत पे तो मेरे नेट नहीं है, धूप रहती है बहुत, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेट मैंने करवा लिया है। तो देखते हैं दोस्तों, गर्मियों का सीज़न बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ झांसी में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ रहती है गर्मी, अभी भी बहुत तेज़, सुबह से 8 बजे से सुबह से इतनी तेज़ धूप निकल आती है कि छत पे तो पानी भी डालने का मन नहीं होता है क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहती है। तो क्या करें, लेकिन हमारी प्लांट्स हैं तो हमें तो केयर करनी ही है। तो दोस्तों हम इसकी इजीली कटिंग लगा सकते हैं जेट प्लांट की, आप भी लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और मैंने तो बहुत सारी ये कटिंग से ही तैयार किए हैं, एक प्लांट की ढेर सारे प्लांट हो गए हैं मेरे पास, मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग लगा चुकी हूँ मैं, और बहुत सारे कुछ है। मैंने बोनसाई लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं पता रहता जेट प्लांट के बारे में, बट इजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने क्योंकि ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं, मेरे पास जेट प्लांट के आज बहुत सारे प्लांट हो चुके हैं जो कि मैंने कटिंग से बनाए हैं, मैंने एक भी प्लांट इसका ख़रीदा नहीं है जेट प्लांट का। तो मैं आपको अपना जेट प्लांट का कलेक्शन दिखाऊंगी दोस्तों, देखिए कितना सारे मेरे पास कितने सारे जेट प्लांट हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जेट प्लांट। मैं इनकी कटिंग जब भी ऐसे पिंच करती हूँ तो ऐसे लगा देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ कभी भी। और इनमें ये देखिए हल्का सा मिली बक्स दिख रहा है, तो पता नहीं क्यों वैसे इनमें मिली बक्स नहीं लगते हैं और कोई अटैक भी नहीं होता ज़्यादा कीड़ों का। अगर ये आपका मिली बक्स अगर लग रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए या फिर हल्का सोप जो रहता है माइल्ड सोप उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ये भग जाते हैं इसलिए। तो देखिए दोस्तों ये मैंने सारे ही ऐसी कटिंग लगा दी है और इनमें हमें थोड़ा सा ये मैंने जो पानी हमें डालना है तो साफ़ का पानी, मैंने फंगीसाइड साफ का पानी बोला है इसमें, तो मैं यही थोड़ा सा डाल दूँगी। ये देखिए ये कुछ दिनों में बहुत ही खूबसूरत से चल जाएगा, ईजिली चल जाते हैं ये और बहुत अच्छे भी लगते हैं। और देखिए ये मैंने अभी इसका ये भी लगा हुआ है, इसको हमें छाया में रखना है दोस्तों थोड़ा, और इसको भी मैं पानी दे देती हूँ क्योंकि इसको भी मैंने अभी ही इसको बनाया है पिरामिड टाइप। तो ये देखिए, और मैं आपको अभी अपनी जेट प्लांट की कुछ दिखाता हूँ, दिखाती हूँ सॉरी वेराइटी।
ये कलेक्शन अपना, एक ये है और एक ये, देखिए इसको भी मैंने कटिंग से ही बनाया था। देखिए कितना ट्री का लुक दे दिया है इसने, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत पुराना सा ट्री है वो, तो इसको आप इसलिए लगा सकते हैं। और एक ये है जिसको देखिए, ये भी बिल्कुल ट्री का लुक दे दिया है इसने, बना दिया है मैंने ट्री जैसा। देखिए इसको मुझे ऊपर से थोड़ा पिंच करूँगी तब थोड़ा ठीक हो जाएगा। और एक यहाँ पे है, ये भी मैंने कटिंग से ही बनाया है। और एक यहाँ पर रखा है जो कि इसको भी मैंने कटिंग से ही बनाया है। कटिंग से ही मेरे सारे प्लांट, ये जेट प्लांट हैं जो कि देखिए आपके सामने है, काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। और इसको हम यहाँ से पिंच कर देंगे, जितना हम पिंच करेंगे उतनी ही ये न्यू ग्रोथ देगा। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी जल्दी बढ़ती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों आप भी लगाइए, जेट प्लांट की कटिंग बहुत ईजीली लग जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।